सर आज आप सीपी से मिलने आए थे, क्या बात हुई सर? देखिए, शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का कानून का शासन है। आईडी थोड़ी नीचे कर लो। कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटेस्ट करना पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ें हमें तो दिखाई नहीं गई हैं, तो हमने उन प्रेम पत्रों की जांच की मांग की है और जिन्होंने ये प्रेम पत्र पढ़ के सुनाए हैं उनकी भूमिका भी जांच की मांग की। सर, आपने सीपी ने क्या बोला आपको, जो आपने बोला इस जांच करवाई है? हमारी शिकायत उन्होंने ले लिया है, उसके बाद कानून अपना काम करेगा, वो बता के थोड़ी ना बताएंगे। आपको क्या लगता है कि जो पत्र कहाँ से आए होंगे, क्योंकि अगर ऐसे नहीं, फर्जीवाड़ा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का चरित्र, अरविंद केजरीवाल का चरित्र, उसके नेताओं का चरित्र उन चिट्ठियों की तरह फर्जी है, नकली है। ये सिर्फ महिमा मंडन के लिए, एक आरोपी को, एक अभियुक्त को उसका महिमा मंडन करने के लिए किया जा रहा है। सदैव जी, आज भी उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है किसी आदेश को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? तो मैं तो अब जो 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है तब पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस तरह के सारे पत्र फर्जी हैं।